हेलो फ्रेंड्स, ये टाइमिंग है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो कि फुटबॉल के मैच चल रहे हैं बालाघाट में, जो कि बालिकाओं के लिए हैं। उसकी ये समय सारणी है टीम वाइज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरे शहर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि फुटबॉल का मैच चल रहा है हमारे बालाघाट में, जो कि मध्य प्रदेश में इसका 5वां संस्करण है, और मध्य प्रदेश में ये 8 राज्यों में इस प्रकार से गेम चल रहे हैं। कहीं पर क्रिकेट, कहीं पर खो खो, कहीं पर फुटबॉल। तो उसमें से फुटबॉल का जो मैच है वो हमारे बालाघाट ज़िले में हो रहा है, और यहाँ पर ये इसका आयोजन 1 फरवरी से शुरू हुआ है और 10 फरवरी तक चलते रहेगा। और कल एक फरवरी को भी खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें 2 टीमें थी, मध्य प्रदेश और दादर, जिसमें से मध्य प्रदेश ने 17-0 से दादर को हराया था, और दूसरा मैच था अरुणाचल प्रदेश और केरल के बीच में, जिसने अरुणाचल प्रदेश ने 4-1 से केरल को हराया था। और अभी जो आप मैच देख रहे हैं लाइव, ये मैच है मणिपुर और बिहार के बीच, जिसमें मणिपुर ने अभी 4 गोल कर चुकी है और बिहार ने 0 गोल की है, जिसमें आपको ब्लू जर्सी जो है वो बिहार वालों की है, बिहार की टीम है वो, और येलो जर्सी जो है वो मणिपुर की। तो आप देखिए मैच को और आनंद लीजिए, कितने उत्साह से बच्चे खेल रहे हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बॉल जो फेंकते हैं वो एग्जस्ट अपने प्लेयर के पास ही फेंकते हैं जो उनकी टीम का रहता है। अब इतने सारे लोग दौड़ते हैं एक साथ और वो एग्जस्ट बॉल अपने साथी प्लेयर के पास ही फेंकते हैं, तो ये भी एक अचंभित बात है कि अपने साथी प्लेयर के पास ही वो बॉल फेंकते हैं। तो आप देख रहे होंगे सभी लोग एक साथ दौड़ते हैं बॉल के पीछे, और गोल जब होता है तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि म्यूज़िक बजता है बहुत ही अच्छा है। देखो, ये गोल हो रहा था और ये गोल होते होते बच गया, और बहुत ही दिलचस्प ये मैच है। और 10 तारीख तक के ऐसे ही मैच चलते रहेंगे, और इसके बाद जो अगला मैच है वो हरियाणा और पश्चिम बंगाल के बीच है। शायद मैं उसको भी कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। मैच क्या है, 90 मिनट का होता है, बहुत लंबा होता है, ये दिखाने में थोड़ी दिक्कत जाती है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत जाता है, इसलिए छोटे छोटे क्लिप ही बना पाता हूँ मैं। और अभी आगे पे बॉल गई है, और इधर पे ये देखिए बॉल आ ही गई, बॉल और ये आई, ये गोल शायद हो जाए, नहीं, 4 गोल तो कर चुकी है, सॉरी 5 गोल कर चुकी है मणिपुर। आगे की मैंने अभी पर्दे में देखा, वहाँ पे शो हो रहा है, तो 5 गोल जो है मणिपुर कर चुकी है, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और कल की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है, कल पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आज थोड़ी भीड़ कम है। और ग्राउंड तो वैसे बालाघाट में बहुत ही अच्छा बन गया है, इस बार लग रहा है कि नेशनल लेवल के गेम हो रहे हैं करके। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बाद का अगला मैच भी मैं आपको दिखाऊंगा उसका वीडियो। ये देखिए, ये गोल 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 न बज गया गोल होने से, कीपर अच्छा है, गोल होने से बच गया है। और आगे अब देखते हैं होता है क्या। ये मारी किक, चे गई बॉल, और ये मारी ब्लू जर्सी ने आगे गेंद को। बहुत ही दिलचस्प लगता है देखना, लाइव देखने में बहुत मज़ा आता है। ये देख रही है आप, मैं जूम करो तो थोड़ा वीडियो फटने लग जाता है, इसलिए जूम करके मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन जूम करो तो थोड़े प्लेयर बड़े दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, नहीं तो मोबाइल में इतना, मोबाइल का कैमरा उतना ज़्यादा वो रहता नहीं है। देखो, आपको आगे बोर्ड भी दिखाऊंगा जिसमें 0.5 दिख रहा था, 0.5 यानी कि 0 बिहार के गोल है और 5 जो है मणिपुर के हैं। हो सकता है कि बिहार अगले मैच में कुछ अच्छा कर दे, ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में बिहार कम गोल नहीं कर पाई है तो अगले मैच में ना करे, ऐसा नहीं है, खेल है ये, इसमें कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए गोल, अरे यार, ग्राउंड के बाहर
जो उसका ग्राउंड बना हुआ है उसके बाहर ही चले गया। और ये फिर से मारे किक, ये गई 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 गई, ये देखो जो इन लोग फेंकते हैं बॉल वो उनके ही प्लेयर के पास जाती है। वो देखो आगे आपको इस टीवी दिख रही होंगी, उसमें लिखा हुआ है 05, बिहार 0 मणिपुर 5। और ये बॉल देखो कितने छोटे छोटे दिखते हैं प्लेयर, अगर जूम ना करो तो ये। और टाइमिंग अब ज़्यादा बची नहीं है, थोड़ी बहुत टाइमिंग बची है, उसके बाद तो ख़त्म ही होने वाला है मैच। 90 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट का हाफ होता है, 45 45 मिनट का, और 11 11 प्लेयर रहते हैं उनमें। ये देखिए ये है मणिपुर, ये गई, एक हाथ शायद गोल कर सकती है मणिपुर अभी मुझे लग रहा है। ये 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 गोल, यस गोल हो गया, ये छठवां गोल शायद मणिपुर ने की है जो कि देखने लायक है। और कोशिश मैं अगले वीडियो में ये करूँगा कि थोड़ा जूम करके ही वीडियो बनाऊँ ताकि आपको थोड़ा देखने में मज़ा आए। और चने वाले भैया आए चने बेचने, और अब देखते हैं अगला गोल होता है कि नहीं। अगला गोल 6 गोल जो है वो मणिपुर ने किए हैं और बिहार ने 0। अब मैं आपको पहले भी बताया कि इसके बाद जो 2:30 बजे से जो मैच है वो है हरियाणा और पश्चिम बंगाल का, वो वाला मैच मैं कवर करूंगा और उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये शायद अच्छे से हो जाए, ये गया बॉल उधर। तो जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हुआ था, मणिपुर 7 गोल कर चुकी है और बिहार 0, जो कि अभी और थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो इन लोग अभी खेल रहे हैं। और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना टाइम तक ये मैच चला। और इधर साइड स्क्रीन लगी हुई है, मैं उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको आगे स्क्रीन दिख रही होंगी, मैंने ये जूम किया, देख लीजिए आप।